हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जितने भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम हैं उनमें प्रवेश की प्रक्रिया 2 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसकी पूरी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। आइए इस नोटिफिकेशन को जानते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु सत्र छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अकेडमिक कैलेंडर के अनुसार यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप नियमित रूप से जितने भी स्टूडेंट हैं या छात्र छात्राएं हैं नियमित रूप से स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है onlineregistration.bilaspuriversity.ac.in में पंजीयन तथा प्रवेश हेतु निम्नानुसार समय सारणी जारी की जाती है। प्रवेश के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मेरे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, यहाँ तक मैं इस वीडियो के माध्यम से किन किन विषयों में कितना कितना फीस लगता है उनकी भी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, समस्त महाविद्यालयों के लिए प्रवेश की तिथि, रजिस्ट्रेशन की तिथि प्रारंभ 2 तारीख से अर्थात 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि 2 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 17 अगस्त 2021 तक निर्धारित की, अर्थात 2 अगस्त से प्रारंभ होगी और 17 अगस्त तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि अर्थात 17 अगस्त को रात्रि 12 बजे से प्रथम जो सूची है वो कंप्लीट जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में प्रथम मेरिट सूची 18 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी की जाएगी, अर्थात जो मेरिट लिस्ट जारी होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आवेदन करने के बाद, वह 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में जारी कर दिया जाएगा जितने भी महाविद्यालय है उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की जो अंतिम तिथि है वह 24 अगस्त 2021 है, अर्थात आप 24 अगस्त 2021 को उस महाविद्यालय में जहां पर आपका नाम आया है, जहां पे आपका चयन हुआ है, वहां पे आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा पुनः सेकंड द्वितीय सूची, है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट या द्वितीय मेरिट सूची जारी की जाएगी। उसकी जारी करने की तिथि है 25 अगस्त 2021, अर्थात 25 अगस्त को दूसरा मेरिट सूची जारी की जाएगी। जब 24 अगस्त को एडमिशन लेगा उसके बाद में जितने भी रिक्त पद होंगे उसको पुनः सेकंड मेरिट लिस्ट के माध्यम से भरा जाएगा। उसके बाद संबंधित महाविद्यालय में जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हैं उनका प्रवेश 31 अगस्त 2021 तक किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस महाविद्यालय में प्रवेश की जो अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित है, 31 अगस्त तक पूरी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी और सभी विषयों में एडमिशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली जाएगी। उस देखिए, समस्त प्राचार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग जितने भी हैं उसके एकेडमिक जो कैलेंडर है उसके आधार पर जल्द से जल्द महाविद्यालय को, यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। इसलिए एडमिशन की प्रक्रिया को जल्दी पूर्ण करने की दिशा में यूनिवर्सिटी कार्य कर रही है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों के स्टडी को लेकर पड़ा है। चलिए, अब मैं फीस की जानकारी बताता हूँ आपको कि किन किन विषयों के लिए कितना कितना फीस निर्धारित किया गया है। देखो, मैं फीस की जो जानकारी है वह कार्यालय प्राचार्य शासकीय TCL स्नातकोत्तर महाविद्यालय जानकी, अर्थात मैं TCL कॉलेज की जो फीस डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चूँकि जो फीस है वह सभी महाविद्यालयों में लगभग लगभग समान ही होता है, उसमें कुछ शुल्क ही अलग से देय होता है,
अर्थात शुल्क की जो समानता है लगभग लगभग सभी सभी महाविद्यालयों में समान होती है। मैं TCL कॉलेज के जो शुल्क है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि किन किन विषयों की शुल्क कितना होता है। देखिए, इसमें BA और BCom की यदि मैं शुल्क की बात करूँ, फीस की बात करूँ, तो शिक्षण शुल्क 115 रुपये, प्रवेश शुल्क 3, महाविद्यालय परीक्षा शुल्क 2 रुपये, प्रायोगिक शुल्क 0। इसमें शासकीय शुल्क में 120 रुपये लगता है। इसके साथ साथ अशासकीय शुल्क में आपका 32 रुपये सम्मिलित निधि शुल्क। चलिए मैं इसको कंप्लीट शुल्क की डिटेल्स आपको बताता हूँ। जितने भी शुल्क हैं उसको जोड़कर यदि आपने BA या BCom में एडमिशन लिया है या BA या BCom में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको कंप्लीट शुल्क 1000 आपका कंप्लीट शुल्क 1025 रुपये लगेगा। यदि आप ST, SC, OBC, जनरल एवं अन्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना लगेगा, 1030 रुपये, 1025 रुपये, अर्थात 1100 के समथिंग BA BCom करने वाले स्टूडेंट को एक साल का फीस लगेगा। ठीक है, इसमें परीक्षा का शुल्क और लगता है, जो परीक्षा फॉर्म जिस समय आपका भरा जाएगा उसी अवधि में लिया जाता है ऑनलाइन शुल्क के माध्यम से। उसी प्रकार देखिए BA BCom जो सेकंड ईयर है उसकी अगर हम फीस की बात करें तो उसकी कंप्लीट जो फीस है 970 रुपये लिया जाता है। उसी प्रकार से BSc के लिए BSc बायो और BSc मैथ के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें आपका BSc बायो 1050 और BSc मैथ 990, ऐसा शुल्क इसमें निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार MA या MCom के कैंडिडेट, अर्थात ऐसे स्टूडेंट जो MA या MCom करने वाले हैं, तो उनकी शुल्क की अगर मैं बात करूं तो 1085 रुपये उनकी कुल फीस निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से MSc करने वाले, MSc जो है केमिस्ट्री में या फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं उनमें, यदि वो केमिस्ट्री करना चाह MSc करना चाह रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, तो उनकी अगर हम फीस की बात करें तो अलग अलग विषयों के आधार पर फीस निर्धारित की गई है, जिसमें आपका 1000 रुपये फीस, 1100 रुपये, सॉरी 1100 रुपये फीस का प्रावधान किया गया है। अर्थात मान के चलिए कि जितने भी कोर्सेस हैं उनकी फीस लगभग लगभग 1000 से 1200 रुपये तक ही है। किसी भी महाविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 1200 के बीच में आपका एडमिशन फीस लगेगा शासकीय महाविद्यालय में। यदि LLB की फीस की बात की जाए तो LLB की फीस 2085 रुपये, और देखिए इसमें यदि आप किसी भी शासकीय कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपका फीस बहुत ही कम होगा, न्यूनतम फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसकी फीस की अगर हम बात करें तो 1000, 1200, 1500 अधिकतम, उससे ज़्यादा फीस नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ अन्य फीस लगता है जिसमें आपका, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया तो कंप्यूटर साइंस की फीस 4000 रुपये प्रति वर्ष लगता है शासकीय महाविद्यालय में। उसी प्रकार से DCA की फीस की अगर हम बात करें तो 7000 रुपये प्रति वर्ष लगता है। PGDCA के फीस की बात करें तो 9000 रुपये प्रति वर्ष लगता है। MA अंग्रेजी की बात करें तो 2000 रुपये प्रति वर्ष लगता है। MSc गणित की बात करें तो 2000 रुपये प्रति सेमेस्टर लगता है। ठीक है, MSc प्राणीशास्त्र की बात करें तो 2500 रुपये प्रति सेमेस्टर। MSc माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी 2500, MSc बायोटेक में भी 2500 और MSc वनस्पति में भी 2500। LLM एक बड़ा कोर्सेस होता है, LLB के बाद वाला कोर्सेस, तो LLM में आपका 5000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस लगता है। कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, कुछ अलग से पाठ्यक्रम होता है जिनकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा निर्धारित की गई है, लेकिन आप अपने बजट के आधार पर गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि 5000, 4000 कोई अधिक फीस नहीं होता, आप
इतना आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए यूनिवर्सिटी की संपूर्ण जानकारी, नए नए नोटिफिकेशन के लिए, नए नए जॉब चाहे वह केंद्रीय स्तर के हो या राज्य स्तर के हो, सभी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल CG Job Education को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।